हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो डीसीएम टेस्ट सीरीज जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए सीएलसी का एक इनिशिएटिव, जिसमें हम बात करेंगे आज डीसीएम टेस्ट नंबर 19th। और इसमें फिजिक्स का जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने टेस्ट काफी अच्छे से दिया होगा। और अब हम बात करते हैं इसके डिस्कशन की, और डिस्कशन के थ्रू हम यहाँ पर अपने जो कंसेप्ट थे उनको रिवाइज करेंगे। और आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप लोगों ने जहां अगर कहीं कोई मिस्टेक की है तो उसको आप यहाँ पे समझें और उसको दोबारा होने से रोकें। ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ए बॉल ऑफ मास m इज कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड एंड इज रोटेटेड इन द सर्किल ऑफ रेडियस r ऑन स्मूथ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सर्किल। ठीक है, तो इस तरह से r रेडियस के सर्किल पे ही अपन ने इसको घुमाया। देखो यहाँ जो रस्सी का टेंशन है, ये क्या बीच में रस्सी है, देखो है ना, ये रस्सी है यहाँ पर, ये रस्सी में हमने टेंशन T1 हमने लगाया हुआ है। तो जो T1 टेंशन है वही ऑब्जेक्ट को, देखो T1 टेंशन ऐसे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, तो T1 टेंशन जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा बच्चों, T1 हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रिपिटल फोर्स यही होता है ना, और r की जगह कितना आ जाएगा कैपिटल r। तो ये कैपिटल r हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर इन्होंने बोला है इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल वाज ओमेगा नॉट, तो यहाँ बॉल की जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है बेटा, ओमेगा नॉट। फिर पुलिंग फोर्स अप्लाइड वाज T1, नाउ पुलिंग फोर्स इंक्रीज्ड टू T2, हमने पुलिंग फोर्स बढ़ाया तो टेंशन आपने बढ़ा दिया, तो अब नया टेंशन लगेगा यहाँ पर। तो जो नया टेंशन है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो ओमेगा डैश अपन नई स्पीड मान लेते हैं और आर को अपन ने कितना कर दिया, r/4। ठीक है, अब यहां बात यह है कि ओमेगा डैश कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपली बात है, ये जो टी है, ये टी जो है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, और जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है। तो इस फोर्स का यानी कि जो टेंशन आ रहा है रस्सी में, इसका टॉर्क कितना होगा, जीरो। तो इस केस में ये तो दो इक्वेशन, अब हमें पता है कि टॉर्क ऑफ टेंशन इज जीरो, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, टॉर्क ऑफ टेंशन। अब टेंशन का टॉर्क जीरो है, इसलिए ध्यान रखना बच्चों यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहेगा, इसका मतलब एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल। ठीक है, मतलब ये टेंशन जो है वो इसमें एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमे तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, या अपन इसको लिखेंगे v को लिखेंगे m ओमेगा r और r, तो ये हो जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है, अब l फाइनल इक्वल्स टू l इनिशियल करना है, तो l फाइनल इक्वल्स टू l इनिशियल के केस में क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखो l फाइनल है मेरे पास m ओमेगा डैश r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर m ओमेगा डैश r/4 स्क्वायर m ओमेगा नॉट r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा ओमेगा डैश इज 16 ओमेगा नॉट। अभी ओमेगा डैश की वैल्यू मैं यहां डाल दूं बच्चों, तो ओमेगा डैश की वैल्यू जो आप यहां डालोगे तो 16 ओमेगा नॉट स्क्वायर r/4। ओके, फिर इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास m 256/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई r। देखो बच्चों ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या बताना है T2/T1, एक बार देखते हैं हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है T2/T1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 6T4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। नाउ रेशियो लेना है हमें, तो T2/T1 क्या आ रहा है बेटा, देखो 64, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64T1 दैट इज T2, तो T2/T1 कितना हो जाएगा बेटा 64, ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना था, एक तो एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर लो ओमेगा की टर्म्स में, तो m vr एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिफाइन कर लिया अपन ने, टॉर्क का कंसेप्ट लगा करके हमने ओमेगा डैश और ओमेगा का रिलेशन निकाला, और बाद में हमने इस तरह की इक्वेशंस यहाँ बनाई। तो T2 की वैल्यू फिर यहाँ ओमेगा डैश डाल के सॉल्व करते गए, बस ये हमें काम में लेना था। ओके बच्चों, तो ये अपना आंसर यहाँ पे बन चुका है, नोट करें बेटा इसको।
तो ये क्वेश्चन एक बार वापस आपके सामने, अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा इसका, 64 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म क्वार्टर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो यहां पर आपको एक इस तरह का क्वार्टर डिस्क के बारे में बात की, तो एक क्वार्टर डिस्क की बात कर लेते हम भी। अब इन्होंने ये बोला है कि इस क्वार्टर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास, हमें पता है बच्चों क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होता है बेटा, ये डिस्टेंस जो होती है डी, वो डिस्क का होता है 4r/3π। तो इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 4r/3π होंगे। देखो ये कोऑर्डिनेट भी होगा 4r/3π, ये डिस्टेंस भी होगी 4r/3π। तो डी हो जाएगा √2 × 4r/3π। डी आ गया। अब हमें पूछा है वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो इस केस में बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है वो तो यहां पे है, तो हमारी जो एक्सिस है वो भी कौन सी होनी चाहिए, वो ये वाली होनी चाहिए। लेकिन हमें सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट तो पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास थ्योरम क्या कहती है, हमारे जो थ्योरम आती है, थ्योरम कहती है आई सी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। देखो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कई लोग क्या करते हैं ये वाला जो इनर्शिया है ना उसको यहां डाल देते हैं। ध्यान रखना ये जो एक्सिस होती है, अपना बेसिक कंसेप्ट था ना आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये वाली एक्सिस हमेशा सी एम होनी चाहिए। अब सी एम वाली एक्सिस के अबाउट हमें इनर्शिया नहीं पता है, यहाँ ए बी एक्सिस के अबाउट पता है, सी बोल दो या इसको ए बी बोल दो, है ना। तो ये आई ए बी का मतलब क्या है, आई सी क्रॉस, और आई सी एम का मतलब आई सी एम क्रॉस, और ये एम डी स्क्वायर। बस अब यहाँ आपको केवल वैल्यू डालनी है बच्चों, तो वैल्यू डालोगे तो ये तो कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क का सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, आई सी एम क्रॉस हमें नहीं पता, और ये एम आर स्क्वायर सॉरी एम डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू यहां डालेंगे तो डी कितना है बेटा, यहां पर डी ये रहा √2 × 4r/3π² इसको इधर ले जाके माइनस करोगे तो आई सी एम कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर माइनस एम √2 × 4r/3π². चलो एक बार ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। देखो एम आर स्क्वायर हाफ एम √2 × 4r/3π², तो ये आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। इसमें ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना, देखो केवल आपको अरेंज करना है और आपका ऑप्शन बन जाएगा। ओके बेटा आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो आइडेंटिकल रॉड है ना, हमने जिनका जॉइंट है एट देयर एंड्स बाय पिन, यहाँ पे हमने जॉइंट को जे नाम दे दिया है ना, जे फॉर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट जो है जे इज स्मूथ है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमने इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया। जब पूरे सिस्टम को रिलीज करेंगे बच्चों तो जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है ना, देखो अभी इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये एम वन मास, ये एम मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में कहीं आएगा है ना भाई, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये आएगा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। जब ये पूरी रॉड नीचे गिरेगी तो इस पे ग्रेविटी, ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है ग्रेविटी, तो इसको नीचे गिराएगा, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे तो शिफ्ट होगा, लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल शिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जब ये रॉड गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास जो है बीचों बीच रहेगा, लेकिन रॉड गिरने के बाद ऐसे एल शेप में थोड़ा ना रहेगी रॉड, तो पूरी ये खुल जाएगी ना, तो ये रॉड जब गिरेगी ये इस तरह से बन जाएगी रॉड, है ना, ये इसका जॉइंट जो है कुछ इस तरह से रहेगा, तो ये रॉड जो है वो गिरने के बाद कुछ ऐसे बन जाएगी और ये जॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब देखो जॉइंट में जो है कोई भी शिफ्टिंग हुई क्या, जॉइंट जो है वो जहां सेंटर ऑफ मास था वहीं पे जॉइंट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि खुलने के बाद इस रॉड का सेंटर ऑफ मास 12 लेंथ की रॉड बन गई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं, देखो मैं इसको यहीं पे बनाता हूं इस डायग्राम में, खुलने के बाद ये रॉड कैसे बनेगी, खुलने के बाद ये रॉड बनेगी इस तरह से, ये ऐसे और ऐसे, इस तरह से ये रॉड जो है वो बन जाएगी इस तरह से, तो फाइनली इस तरह की रॉड यहाँ सिस्टम में हमें मिलेगी, एक रॉड ये और एक रॉड ये। अब इस केस में देखो बेटा ये जो सेंटर ऑफ मास है ना ये कितना शिफ्ट हुआ हमें ये पूछा है, तो मतलब सॉरी जॉइंट कितना शिफ्ट हुआ ये पूछा है ना अपन से, तो
कि जॉइंट कितना शिफ्ट हुआ। तो यहां पर देखो जॉइंट की शिफ्टिंग बतानी है, जोड़ का प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन। तो जोड़ जो है वो यहां से यहां तक आया, ये डिस्टेंस कितनी है L, और ये डिस्टेंस कितना है L by 4, क्योंकि देखो यहां L by 2 से भी आधे पे था ना सेंटर ऑफ मास, पहले वाली पोजीशन ये थी, तो ये L by 4 था, तो ये भी L by 4 है। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ बेटा, L डिस्टेंस तो इधर, तो ये यहां पे सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट हो गया मेरे पास L और L by 4। तो ये शिफ्टिंग है सेंटर ऑफ मास की, ये है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, L by 4 स्क्वायर, L by 4 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो S हो जाएगा मेरे पास L, चार्ज 16 और एक, ये कितना हो जाएगा 16, 17, तो रूट 17 by 16 L, यानी कि रूट 17 by 4 L। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे गलत हैं फिर तो, है ना। ओके बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है, ए स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस आर रोल डाउन विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लाइडिंग, ओके, इन ए बिग हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। देखो जब कोई बॉल यहाँ बॉटम पे रोल करेगी, है ना, तो यहां से जब वो रोल करते हुए आएगी, तो हमें पता है प्योर रोलिंग के केस में बेटा, अगर इसकी स्पीड में v मान लेता हूं, तो प्योर रोलिंग के केस में टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके दो हिस्से कर दो बच्चों, तो हाफ एम वी स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपसे किसका रेशियो पूछा है, स्थानांतरी व घूर्णी गति ऊर्जाओं का अनुपात बताओ। स्थानांतरी के ट्रांसलेशनल और के रोटेशनल, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ठीक है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको एक बॉल दिया हुआ है, बॉल जो बाय डिफॉल्ट आप मानोगे हमेशा सॉलिड स्क्वायर मारोगे, सॉलिड स्क्वायर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है 2/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 5/2। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5/2। कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों, हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दो आइडेंटिकल डिस्क दी गई है मास एम और रेडियस आर की, और इनको इस तरह से अरेंज किया है ना। अब देखो ग्रेविटी क्या करेगा, इस डिस्क को नीचे गिराएगी, तो ये डिस्क ऐसे खुलने लगेगी, है ना, ये डिस्क ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूमते घूमते नीचे आएगी। अब ये नीचे घूमेगी तो उधर से रस्सी बंधी, तो रस्सी की वजह से रस्सी इस डिस्क को भी इधर घुमाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या, देखो ऊपर वाली डिस्क तो ऐसे घूम रही है ना, इधर वाली डिस्क जो है वो ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी और ये वाली ऐसे घूमेगी, प्लस साथ में ये डिस्क नीचे भी आएगी, है ना। तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन में मान लेता हूं ए, इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं अल्फा वन और इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं अल्फा टू। हालांकि इन्होंने नीचे वाली डिस्क का जो एक्सेलरेशन दिया है एंगुलर वाला वो अल्फा दिया है, उसको बाद में अपन डाल देंगे, या अल्फा टू को अल्फा लिख दो ठीक है। साथ में टेंशन टी और ये वाला टेंशन भी टी, और इस डिस्क को नीचे चलाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है बच्चों, इसको नीचे चलाने के लिए जिम्मेदार है ये देखो, ये टेंशन एक यहां पे आएगा mg, इसका एक्सेलरेशन अल्फा टू इक्वल्स टू अल्फा, और साथ में इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, वो कितना है acm। अब देखो टेंशन, इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क किसने दिया, टेंशन ने। तो यहां पर इस डिस्क के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है आई अल्फा, तो यहां टॉर्क हो जाएगा टी इंटू आर हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा वन, हो गया। तो इसमें टी कितना हो जाएगा मेरे पास हाफ एम आर अल्फा वन ठीक है। ये तो डिस्क वन के लिए, डिस्क टू के लिए बात करें तो इसके लिए भी टॉर्क इक्वेशन देखो क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इसको भी घूमने का टॉर्क किसने दिया, टेंशन ने। तो जब टॉर्क इक्वल है
इनर्शिया इक्वल है तो फिर अल्फा भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर अल्फा टू की वैल्यू तो अल्फा दी है ना, तो टी इंटू आर, तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा मेरे पास हाफ एम आर अल्फा वन आर अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर इज अल्फा। इससे क्या पता चला बेटा, अल्फा वन और अल्फा मतलब दोनों के एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम होंगे। चलो वापस इस डायग्राम को बना देते, दोनों के एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है ये तो हमें पता चल गया है ना। अब यहाँ पर जो रस्सी बंधी है उस रस्सी को एक बार यहां बना देता हूं मैं। अब देखो जब ये यहां पर जब एक्सेलरेशन सेम है तो इस पॉइंट को देखो कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, ये जो पॉइंट है रस्सी का पॉइंट इसको कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, उतने ही पॉइंट से रस्सी का ये वाला पॉइंट भी नीचे मूव करेगा है ना। ये पॉइंट रस्सी का जो पॉइंट है इसको मान लेता हूं पी, ठीक है। अब रस्सी का जो पी पॉइंट है ना उसका एक्सेलरेशन अपन ने निकाल लिया। अब जो पुली का पॉइंट है, ये जो पुली का पॉइंट है देखो इस पुली के पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसको कौन कौन से एक्सेलरेशन मिले, इसको एक तो मिलेगा एसीएम, पूरे ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है तो वो तो सारे पॉइंट को मिलता है, प्लस रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से इसको ऊपर कौन सा मिलेगा अल्फा आर। अब इन दोनों में कोई स्लाइडिंग नहीं है, ये दोनों पॉइंट जो है बच्चों उनमें आपस में कोई स्लाइडिंग अगर नहीं है क्योंकि रस्सी बिना फिसले, रस्सी पे बिना फिसले वो डिस्क जो है वो अनवाइंड हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के एक्सेलरेशन सेम, इसको मान लिया क्यू और इसको मान लिया पी, तो एक्सेलरेशन पी का और एक्सेलरेशन क्यू का सेम होना चाहिए। पी का एक्सेलरेशन कितना है, पी का एक्सेलरेशन है ये वाला अल्फा आर, एक्सेलरेशन ऑफ पी कौन सा हो जाएगा अल्फा आर, तो यहां लिख दो अल्फा आर। और क्यू का एक्सेलरेशन कौन सा है, एसीएम माइनस अल्फा आर, तो फाइनली मेरे पास आंसर आया एसीएम इक्वल्स टू टू अल्फा आर, ये तो ये फाइनली अपना आंसर आएगा एसीएम इक्वल्स टू टू अल्फा आर, मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो यहां करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों तो ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक बॉल है रेडियस स्मॉल आर की रोल्स विदाउट स्लाइडिंग इनसाइड ए फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है इसके अंदर एक बॉल रोल कर रही है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा करता हूं बॉल के सेंटर की स्पीड को क्या मान लेता हूं बच्चों, बॉल के सेंटर की स्पीड को मैं वी मान लेता हूं, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल अबाउट इट्स सेंटर, देखो बॉल की खुद के सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो खुद के सेंटर के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लिया ओमेगा होगी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v होता है ओमेगा इनटू r, इसको ओमेगा वन बोल देते हैं, तो ओमेगा वन तो हो जाएगा v बाई स्मॉल r। फिर दूसरा बोला कि अबाउट इट्स सेंटर एंड दूसरा अबाउट सेंटर ऑफ ट्रैक, तो ट्रैक का जो सेंटर वो तो ये है ना, अब ट्रैक बना दो एक बार और ये बॉल को यहां दिखा दो, बॉल की स्पीड है v, ट्रैक के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो ट्रैक के सेंटर से डिस्टेंस है टोटल रेडियस r में से स्मॉल r को माइनस कर दो। अब इस ट्रैक के सेंटर के अबाउट में मान लेता हूं इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा 2 हो जाएगा v बाई r माइनस r, ये ओमेगा 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या है, इन्होंने एक तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो पूछा है, तो v बाई स्मॉल r v बाई कैपिटल r माइनस r, तो ये हो जाएगा ओमेगा वन बाई ओमेगा टू कैपिटल आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों कोई कंफ्यूजन, बच्चों को आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला है कि यूनिफॉर्म रॉड जो है एल रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हाइल इट्स सेंटर मूव विद लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एल बाई सिक्स, ओके इफ द एंड ए ऑफ द रॉड इज सडनली फिक्स्ड, देखो इस देखो एक रॉड है जो ऐसे आगे भी जा रही है और ऐसे घूम भी रही है, ऐसे घूमते घूमते आगे जा रही है, मतलब ये रॉड ऐसे घूमते घूमते आगे जा रही है, फिर आपने क्या करा एंड ए को अचानक से रोक लिया, तो आप इस एंड को मूव नहीं करने दोगे तो फिर रॉड केवल इस एंड ए के अबाउट ही घूम सकती है, तो शुरुआत वाली कंडीशन तो ये है और बाद वाली कंडीशन क्या है कि रॉड केवल इस एंड के अबाउट ही घूम सकती है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी फोर्स मैंने लगाया वो ए पॉइंट पे ही लगाया होगा एंड ए को फिक्स करने के लिए, तो जो भी फोर्स मैंने ए पॉइंट पे लगाया उस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, तो इसका मतलब मेरी बाद वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन है बेटा, वो है ये। अब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है देखो ये कितना है एल बाई टू, अब यहां पर देखो इस ए पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क जीरो है, इसका मतलब कि टॉर्क अबाउट ए
कितना है? जीरो। अब टॉर्क अबाउट ए जीरो है, इसलिए मैं बोल सकता हूं एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। एल इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो जिस पॉइंट के अबाउट आपको तो नेट एंगुलर मोमेंटम बताना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ए के अबाउट बताना ना, तो पहले बताएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट और सेंटर ऑफ मास का ए के अबाउट। तो एल अबाउट ए, मैं इस वाले पार्ट को इधर सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या हो जाएगा, एल अबाउट सी एम, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, फिर सेंटर ऑफ मास का उस ए के अबाउट बताओ, एल अबाउट सी एम एंड एल ऑफ सी एम अबाउट कितना, अबाउट ए। तो इससे आपको एल अबाउट ए इनिशियल वाला मिलेगा। अब यहां एल अबाउट सी एम कितना है, देखो सेम का अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम वो ऐसे रोटेशन हो रहा है, कैसे रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये जाएगा आई इंटू ओमेगा, क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस के के, है ना, पर चलो यहां मैं क्लॉकवाइज लिख देता हूं, ये क्लॉकवाइज। और ये वाला कौन सा है, ये वाला हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू पी, सेंटर ऑफ मास जो है वो लीनियर वेलोसिटी रखे हुए ना, तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी। और ये वाला मोमेंटम भी कैसे आएगा, देखो सेंटर ऑफ मास केवल ये रोटेशन भूल जाओ, केवल अगर ये वेलोसिटी होती तो इसकी वजह से भी देखो ये क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, इसलिए ये भी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों मोमेंटम को जोड़ना है, आई क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा, आर परपेंडिकुलर एल बाई 2 पी एम वी। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम वी को क्या लिखेंगे अपन, वी की वैल्यू दे रखी है ओमेगा एल बाई 6, तो यहां पर लिख दिया ओमेगा एल बाई 6 और एल बाई 2, तो ये ओमेगा एल स्क्वायर एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12 बाई 12, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6। यहां इसको डाल देंगे तो एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6। अब एल फाइनल किसके अबाउट लिखना है मुझे, ए के अबाउट, एल फाइनल जो है वो ए के अबाउट है, और इधर भी अबाउट ए लिखना है, ठीक है। तो यहां पे एल फाइनल अबाउट ए क्या लिखोगे, आई इंटू ओमेगा डैश, ये हो जाएगा एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6। ए के अबाउट इनर्शिया कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश हो जाएगा यहां पर एम एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई 2। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहां तक? फिर आता है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ए पार्टिकल एम मूव इन सर्कुलर पाथ सो दैट इट्स डिस्टेंस ट्रेवल वेरी विद टाइम एस इक्वल्स टू एस। तो देखो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वो डिस्टेंस किस तरह से वेरी कर रहा है, वो डिस्टेंस मान लो यहां से इसने चलना शुरू किया होगा, तो ये डिस्टेंस किसी टी टाइम के हिसाब से, एस कितना दिया आपको 3t स्क्वायर प्लस 6t, वी क्या हो जाएगा इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ds / dt 3 2t प्लस 6 यानी कि 6t प्लस 6। फिर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है, तो वो क्या लिखोगे बेटा, dv / dt 6 1 0। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया 6, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर / r, v क्या हो जाएगा हमारे पास 6t प्लस 6 का स्क्वायर, और r की वैल्यू कितना है 12। अब यहां t की वैल्यू कितना डालना है 1, तो t इक्वल्स टू 1 की बात करें तो ac एट t इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा मेरे पास 6 इंटू 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर बाई 12, 6 और 6 12 इंटू 12 बाई 12, तो AC कितना आ जाएगा बेटा, AC आएगा 12, ओके। और AT कितना है, AT है मेरे पास 6, तो A8 आ जाएगा मेरे पास AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 36, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 180 को मैं ले सकता हूँ 36 इंटू 5 यानी कि 6√5, तो ये फाइनली मेरा आंसर यहाँ पर 6√5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका एक और क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोला है कि एक एम मास का आदमी है जो कि
फ्रिक्शनलेस स्टैंड ऑन एंड ऑफ वन प्लैंक ऑफ लेंथ एल लाइज एट द फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो एक प्लैंक है, उस पे की एक एंड पे एक एम मास का आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और प्लैंक का मास कितना है, इन्होंने बोला है प्लैंक का मास जो है वो एम बाई थ्री है। अब देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पूरा सिस्टम है, तो जब आदमी दूसरी तरफ आएगा तो फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शनलेस है, आदमी और प्लैंक के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा ना। तो जब आदमी उस प्लैंक पे चलेगा तो प्लैंक जो है वो पीछे खिसकेगा। अब प्लैंक जब पीछे खिसकेगा तो यहां पर देखो, मैं मान लेता हूं प्लैंक जो है वो एक्स डिस्टेंस खिसका होगा, तो आदमी कितना चलेगा, एल माइनस एक्स। अब हमें पता है कि इस पूरी प्रोसेस में सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, जीरो। एफ एक्स एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, एंड सिस्टम क्या था बेटा, सिस्टम शुरुआत से रेस्ट में था, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट। देखो जब कोई सिस्टम रेस्ट में हो रहा उसमें आपने कोई फोर्स भी नहीं लगाया तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब CM does not shift, तो इसका मतलब CM जो है वो shift नहीं होगा। अब अगर CM shift नहीं होगा तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, अपने पास ये capital M और ये capital M by 3, तो हमें पता है कि overall delta x CM कितना आना चाहिए, zero। delta x CM का मतलब क्या होता है, M1 delta x1 plus M2 delta x2 equals to zero, ठीक है। अब यहाँ पे delta x CM मुझे zero करना है, तो डेल्टा एक्स वन कितना है, देखो ये एम मास का पर्सन कितना आगे शिफ्ट हुआ, इसने पूछा किसका है, आदमी का पूछा है ना, तो मैं आदमी वाले को एक्स मान लेता हूं, है ना, मैं आदमी की डिस्टेंस को ऐसा करता हूं एक्स मान लेता हूं और इसको मैं एल माइनस एक्स मान लेता हूं, क्योंकि आदमी की डिस्टेंस इन्होंने पूछी ना। तो ये देखो पर्सन कितना शिफ्ट हुआ, पर्सन शिफ्ट हुआ पॉजिटिव एक्स, प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ, एल माइनस एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको माइनस को मैं माइनस ऑफ एल माइनस एक्स, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एक्स एम बाई थ्री एल माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम बाई थ्री एक्स एम बाई थ्री एल, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एम बाई थ्री, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास एल बाई फोर। तो जो प्लैंक के सॉरी आदमी है, आदमी कितना शिफ्ट होगा, एल बाई फोर, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स क्या है, आदमी का डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहां तक, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट ये कंप्लीट होता है नाइन्थ क्वेश्चन। अगला आता है अपना टेंथ क्वेश्चन, एक बार इसे नोट करें बच्चों। टेंथ क्वेश्चन में आपको बोला है ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्मली सर्कुलर। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ओमेगा कांस्टेंट। जैसे आप ध्यान रखें यूनिफॉर्म मोशन जब हम बोलते हैं 1D मोशन के केस में, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां होता है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। तो अल्फा जीरो होने का मतलब फिर AT कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन ऑब्जेक्ट घूम तो रहा है ना, तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब AC या AR जिसको आप बोलते हो रेडियल एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू R। तो इसका मतलब अच्छा ये कांस्टेंट नहीं होगा, खाली वैल्यू वाइज कांस्टेंट होगा बस, ठीक है। तो AR, AR तो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इस प्रकार से देखो हमेशा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसके सेंटर की तरफ लगेगा ऐसे, तो इस तरह से हमेशा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो उसके सेंटर की तरफ लगता रहेगा। ये देखो तो इस तरह से, कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें, तो ये आपका यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन में कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आर नॉन जीरो और ए टी जीरो। तो ए आर नॉन जीरो ए टी जीरो, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा ये काफी आसान क्वेश्चन था, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेक्शन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ वाला इसमें देखो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको फिर यहाँ पर पैराग्राफ गिवन है, चलो एक बार इसको देखते हैं क्या है इससे। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाई एच ऑन ए स्मूथ कर्व्ड सरफेस व्हिच एंड्स इनटू ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर।
है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा ही लूप वाला क्वेश्चन जो है अपन नोट्स में काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और इसको काफी अच्छे से हम करते भी हैं। अब ये बोल रहे हैं h इक्वल टू 2r। देखो बच्चों ध्यान रखो, अगर इसको वर्टिकल लूप को पूरा करना हो है ना, अगर h 2.5r हो तो जस्ट वर्टिकल लूप को पूरा करेगा है ना, जस्ट कंप्लीट द लूप। है ना, अगर h 2.5r से कम हो तो इसका मतलब वो वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, कैन नॉट कंप्लीट VCM, कैन नॉट कंप्लीट VCM। तो यहां पे फिर ये VCM को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पे देखो 2r के केस में क्या होगा, पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द लूप विद जीरो वेलोसिटी। गलत, पार्टिकल कभी टॉप ऑफ द लूप पे पहुंच ही नहीं पाएगा। पार्टिकल कैन नॉट रीच द टॉप ऑफ लूप्स, ये भी बात सही है। पार्टिकल ब्रेक ऑफ एट हाइट h इक्वल्स टू r फ्रॉम द बेस ऑफ द लूप। ये बोल रहे कि पार्टिकल जो है वो h इक्वल्स टू r हाइट पे ब्रेक ऑफ करेगा क्या। चलो, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कॉन्टेक्ट खत्म करना। देखो जब ये h इक्वल्स टू r हाइट पे यहां जब आएगा है ना, जब ये r हाइट पे आएगा पार्टिकल, इस तरह से लूप है ना अपना, तो जब ये पार्टिकल यहां पर आएगा तो इसकी अभी भी देखो ये 2r से अपन ने रिलीज किया था ना, तो अभी भी इसकी जो हाइट बची वो कितनी बची, डेल्टा इस, तो r के बराबर अभी बचा हुआ है। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, रूट 2gh, h का मतलब कितना हो जाएगा r, तो रूट 2gr यहाँ पे। अब रूट 2gr अगर ये है तो क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, नहीं। इस पॉइंट पे इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, नॉर्मल रिएक्शन ही तो देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे mg तो देखो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता है ना, mg सेंट्रीपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो नॉर्मल को ही सेंट्रीपिटल देना पड़ेगा। तो नॉर्मल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा 2mg। इसका मतलब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, ये जो ये वाला पॉइंट है जब उसकी हाइट r है, तो ब्रेक ऑफ नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है बेटा 2mg। और ब्रेक ऑफ होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ होने का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होना। क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन तो 2mg आ रहा है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ नहीं होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, पार्टिकल ब्रेक ऑफ एट जीरो से r। देखो अगर हाइट की वैल्यू आप जीरो से r के बीच में रख दोगे है ना, तो मतलब ये लूप के केस में, लूप के केस में जब यहां पे ब्रेक ऑफ नहीं हो तो बीच में तो ब्रेक ऑफ होने का सवाल ही नहीं है। ब्रेक ऑफ कहां होगा, वो ब्रेक ऑफ होगा एक्चुअली r से 2r के बीच में ब्रेक ऑफ होगा, इतना भी कंफर्म है, क्योंकि h अगर 2.5r होता, 2.5r होता तब तो ब्रेक ऑफ नहीं करता, 2.5r से कम है ना इनिशियल एज, तो इनिशियल एज जो है वो 2.5r से कम है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ तो होगा, लेकिन वो इस रीजन में होगा, यहां कहीं होगा ब्रेक ऑफ है ना, ये इस जगह से वो ब्रेक ऑफ होगा इस वाले रीजन में, और ऐसा तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो मेरा एक सेकंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत है। ओके, फिर आता है अपना, ये बोल रहे हैं कि इफ थीटा इज इंस्टेंटेनियस एंगल एट विच लाइन ऑफ विच द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ लूप मेक्स विद द वर्टिकल, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अकर्स। देखो जब यहां पे पार्टिकल स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, तो जब ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो यहां पे इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, वी मैक्सिमम कितना होगा है, रूट टू जी एच है ना, यहां पे एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर लगेगा, तो नॉर्मल जो है वो एक तो एम जी को बैलेंस करेगा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब ये आएगा एम जी प्लस टू v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2g, और h की वैल्यू कितनी है 2r by r, तो ये आएगा मेरे पास 5mg। इसका मतलब यहां पर जितना भी है मतलब जो भी है मैक्सिमम स्पीड तो यही है ना, तो अगर स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम है, देखो मैं इसको ऐसे लेता हूं, v max equals to root 2gh, h की वैल्यू 2r तो पिछले वाले पार्ट में थी, यहां नहीं है, तो यहां पर mg plus mv max स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर इस वजह से ये एन भी क्या होगा, मैक्सिमम, तो ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड पोजीशन में है ना तो उसका नॉर्मल मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही बात है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल अकर्स एट थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा जीरो पे मैक्सिमम है तो मिनिमम तो हो ही नहीं सकता,
The maximum value of n occurs at theta equals to 30. ये भी गलत है. The minimum value of occurs at theta equals to 90. Theta 90 पे minimum value नहीं आएगी. ठीक है, minimum value जो normal की आती है वो theta 90 पे zero हो सकता है, लेकिन वो dependent होगा, case dependent है ना. Minimum value हमेशा जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे 90 पे ही आएगी. 90 पे हो सकता है कि normal जो है वो zero आ जाए, लेकिन वो confirm नहीं है. कई बार ब्रेक ऑफ वाली कंडीशन होती है तो 90 पे भी जीरो नहीं आ पाता. हो सकता जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 90 डिग्री वाली पोजीशन पे भी 2 mg का नॉर्मल आया था. देखो तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे नॉर्मल जो है वो मिनिमम आएगा. ये गलत है. मिनिमम कहाँ आता है, अगर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पार्टिकल अगर कंप्लीट कर पा रहा है VCM, तो उस केस में जो 180 डिग्री वाली पोजीशन मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे नॉर्मल मिनिमम होता है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. 13 की बात करते हैं. H की मिनिमम वैल्यू जिससे लूप कंप्लीट कर सके, तो ये हो जाएगा अपने पास 2.5 R. तो ये थर्ड ऑप्शन है, तो डायरेक्ट है अपना, है ना. 2.5 R के केस में जब 2.5 R हाइट होगी तो यहाँ पे V max कितना होगा. V max जो होगा 2GH के हिसाब से देखें तो 2G 2.5 R जो कि 5GR के इक्वल होता है. तो 5GR जो है वो स्पीड होती है ना VCM कंप्लीट करने की, तो वो तभी मिलेगी जब H की वैल्यू कम से कम 2.5 R हो. ओके बच्चों, या फिर आप इसमें डेरिवेशन की स्टेप पे जाना चाहो तो V जो बॉटम पॉइंट पे है वो रूट 5GR से ज्यादा होना चाहिए मोशन कंप्लीट करने के लिए. अब बॉटम पॉइंट पे कितना आएगा, रूट 2GH आएगा. इसको ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रूट ऑफ 5GR से. तो यहाँ पे 2GH greater than equals to 5GR, तो H greater than equals to 5/2 R. तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाएगा. ओके बच्चों, अगला आता है मेरे पास क्वेश्चन जिसमें आपको बोला है 3 मासलेस रॉड आर फिक्स्ड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगुलर फ्रेम सच दैट AB equals to BC equals to L. तो AB और BC जो है वो L लेंथ का है, तो ये लेंथ कितनी जाएगी बेटा, रूट 2L. अब ये L है तो ये 45, ये भी 45, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आएगी D आएगी मेरे पास L बाई रूट 2. और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, देखो दो मासलेस, ये सारी रोड तो मासलेस है, पार्टिकल्स के मास की वजह से सेंटर ऑफ मास यहाँ बीचों बीच आएगा. ठीक है, अब इसमें आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ से रिलीज होने के बाद देखो कैसे घूमेगा, ये सिस्टम जो है वो ऐसे कहीं घूमेगा. अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसकी जो डिस्टेंस डी है हिंज से, वो तो हमेशा डी के बराबर रहेगी चाहे किधर भी घुमा दो. पहले पार्ट में पूछ रहा है कि इज द मैक्सिमम शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास सिस्टम फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन. देखो यहां से इसको रिलीज करेंगे तो ये पूरा जो है वो ऐसे घूमेगा, है ना. तो ये सेंटर ऑफ मास किस तरह का मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां से इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा. तो सेंटर ऑफ मास अपनी इस पोजीशन से मैक्सिमम किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ, मतलब डायमीटर के अलोंग जो दूसरा पॉइंट होगा ना, डायमीटर का जो अपोजिट एंड होगा वो उसकी मैक्सिमम शिफ्ट वाली पोजीशन होगी. तो इस केस में जो मैक्सिमम शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम शिफ्ट आएगा इस केस में 2 times of D. 2 times of D कितना है, L by root 2. तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू एल. तो रूट टू एल का शिफ्ट यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मेरा करेक्ट हो गया. ओके बच्चों, फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब एसी टेंशन एक्सेप्ट ऑफ मास एम व्हेन द रॉड एसी बिकम्स हॉरिजॉन्टल. जब एसी रॉड हॉरिजॉन्टल होगी तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा. देखो यहां पे ये पार्ट तो और आसान है, जब ये एसी रॉड को मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा कुछ इस तरह से, एसी रॉड जब हॉरिजॉन्टल होगी मतलब कि सिस्टम में कुछ इस तरह की कंडीशन बन चुकी है ना, ये ए ये सी, सेंटर ऑफ मास एकदम यहां पे. जब एसी रॉड हॉरिजॉन्टल हो चुकी है तो सेंटर ऑफ मास जो वो हिंज के जस्ट नीचे आएगा. अब हिंज के जस्ट नीचे आएगा, देखो इसमें फोर्स कैसे लग रहे हैं, इस पे सेंटर ऑफ मास पे अपन देख सकते हैं पूरा का पूरा 2 mg इधर मान लो. अब ये 2 mg जब इधर है तो इसका कोई टॉर्क है क्या, नहीं है, है ना. इसका मतलब यहां पर ये जो फोर्स है पूरा का पूरा वर्टिकल है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में है, रेडियस के अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स है क्या, बिल्कुल नहीं. तो इस केस में नो फोर्स एक्ट अलोंग टेंजेंट, कोई भी फोर्स टेंजेंट के अलोंग नहीं है. इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग नहीं होने से इसका फाइनली
टोटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। जब फोर्स ही नहीं है टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। ओके बच्चों, बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन बी की, मोर देन वन चॉइस वाले ऑप्शंस क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्री स्पेस ए राइफल फिक्स्ड ऑफ मास m शूट्स ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एट ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m। चलो जो जो पढ़ रहे हैं उसको अपन यहां ड्रॉ करते जाते हैं। एक तो यहां पे राइफल है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ये मास m की राइफल जो कि फिक्स्ड है। फिर एक कैपिटल m मास का ब्लॉक, ये यहां पे रेस्ट पे रखा हुआ है, और इसने क्या एक बुलेट फायर कर दी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? कैपिटल डी। बाद में बोल रहे हैं कि ये जो बुलेट जो है वो स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द ब्लॉक। तो बाद में कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बुलेट जो है वो स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है। तो ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, और ये डिस्टेंस कैपिटल डी। तो ये कितना बचेगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बचेगा ये। अब ये क्या बोल रहे हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम। तो अब जो सेंटर ऑफ मास जिस सिस्टम का बताना, उसमें ये ध्यान रखना गन शामिल नहीं है, तो केवल इन दोनों का सिस्टम। तो मेरा ये एम वन मास तो ये रहा, इसका मतलब मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। ये मेरा सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में मैं मान लू, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x1, और ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x2। अब x1 x2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आगे बढ़ते। तो इस केस में देखो बच्चों, x1 जो आएगा मेरे पास, x1 आ जाएगा मेरे पास कैपिटल m d माइनस d, सॉरी d माइनस d को आगे लिख देते हैं, कैपिटल m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। x2 कितना आएगा? d माइनस d स्मॉल m कैपिटल m अपॉन स्मॉल m। हमें पता है ब्लॉक का मास ज्यादा है, कैपिटल m ज्यादा है, इसका मतलब x2 जो है वो कम होगा, सेंटर ऑफ मास ब्लॉक के पास ज्यादा होगा, है ना। तो ये अपने पास x1 x2 आ गया। अब इन्होंने हमसे ऑप्शंस में क्या क्या पूछा, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। डिस्टेंस पूछिए इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से कितना आ रहा है, ब्लॉक से डिस्टेंस को मैंने क्या माना था x2, x2 की वैल्यू कैपिटल d माइनस d स्मॉल m अपॉन कैपिटल m प्लस m। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब दूसरा, इन्होंने राइफल से दो ऑप्शन दिए, बुलेट से दिया है, बुलेट से क्या ऑप्शन दिया हुआ है, x1 डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस से ये वाली, तो ये मेरा सही हो जाएगा, बुलेट से भी सही ऑप्शन दिया इन्होंने। अब इन्होंने यही सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस राइफल से भी पूछी है। तो राइफल से डिस्टेंस बताने के लिए देखो क्या करेंगे, ये अगर x1 है तो ये स्मॉल d को और एड कर लूंगा मैं, तो ये x फ्रॉम राइफल अगर बताना है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल d प्लस x1, स्मॉल d प्लस x1 कितना हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल d x1, x1 कितना है कैपिटल d माइनस d तो ये कितना हो जाएगा बेटा कैपिटल m प्लस m प्लस m कैपिटल d माइनस d कैपिटल m। अभी स्मॉल एम डी कट जाएगा तो ये आ जाएगा स्मॉल एम डी कैपिटल एम डी। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर टू। तो टू भी सही है, फोर भी सही है, और मेरे पास फर्स्ट भी सही है। तो मेरे पास फर्स्ट के तीन ऑप्शन सही है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ओके अब आते हैं हम हमारे सेकेंड ऑप्शन पे। तो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन बोला है ब्लॉक ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग एंड इट इज एट रेस्ट, है ना, रेस्ट पे है, मतलब देखो रेस्ट पे मतलब इसकी वेट को बैलेंस किया हुआ है, मतलब स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑलरेडी अभी आया हुआ है। कितना एक्सटेंशन आया हुआ बेटा, एक्सटेंशन जो है वो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए आया था, यानी कि एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इतना एक्सटेंशन तो अभी से इसमें आया हुआ है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि दूसरा ब्लॉक इसके जस्ट आके चिपक जाता है टकराने के बाद। तो टकराने के बाद जब ये चिपकेगा तो ये देखो ब्लॉक जो है वो तो अभी ए ब्लॉक तो उसी कंडीशन में, और ये इसकी चिपक गया, चिपक गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो स्पीड वी डैश मान लू मैं, है ना।
तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंडीशन है, तो पी इक्वेशन जो बनेगी, मोमेंटम इक्वेशन, पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है? 2mv', और ये कितना हो जाएगा? mv। तो v' कितना हो जाएगा? v/2। अब ये बोल रहे हैं कि ये चिपक जाता है सच दैट जस्ट अटेन इट्स नेचुरल लेंथ, ताकि इसकी नेचुरल लेंथ को अटेन कर सके। इसका मतलब बाद में ये जो कंडीशन यहां पे बनी, इसके बाद ये ब्लॉक जो है वो कहां पे जाके स्टेबल हुआ? ये स्टेबल हुआ जब इसने अपनी नेचुरल लेंथ को अटेन कर लिया। तो नेचुरल लेंथ के लिए मैं एक डायग्राम यहां बनाता हूं, कि यहां पे सिस्टम आके रेस्ट पे आ जाता है ना। मतलब फाइनली देखो ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, कि यहां से एक्स नॉट डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी कहां जाएगी? mgh में जाएगी ना। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी इक्वेशन लगा दूं मैं, आफ्टर कोलिजन एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ m, m की जगह 2m, हाफ 2m, हाफ 2m, और ये मेरे पास क्या है? स्पीड v/2। ये तो काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर 2mgx0। तो ये हो जाएगा मेरे पास mv²/4, हाफ k की वैल्यू कितना है, सॉरी x0 की वैल्यू कितना है? mg/k² 2mg mg/k। अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा मेरे पास? mv²/4 हाफ m²g²/k, कैसे के कट जाएगा तो एक के बचेगा, इधर आ जाएगा 2m²g²/k। 2 में से हाफ कम कर दो तो ये कितना बचेगा? 3/2। तो ये आ जाएगा mv²/4 इज 3/2 m²g²/k। अब यहाँ पे v कितना आ जाएगा? देखो ये मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, तो वापस लिखते एक बार, ये इधर क्या बचेगा मेरे पास? mv²/4। अब m को कैंसिल करते हैं तो ये m से एक m खत्म, तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो v कितना हो जाएगा मेरे पास? v हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 और 3 6 mg²/k, तो 6mg²/k ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी की वैल्यू। तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ये तो आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया अगर वो सही है तो। लॉस ड्यूरिंग कोलिजन, देखो ड्यूरिंग कोलिजन लॉस कितना हुआ था? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू कितनी है? काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू है हाफ 2m, हाफ 2m v/2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? mv²/4। अब हाफ एम वी स्क्वायर और mv²/4, तो डेल्टा के कितना हो जाएगा? डेल्टा के हो जाएगा mv²/4। mv²/4 में वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से उठा के डाल दूं तो जो लॉस होगा वो होगा mv²/4 का m/4, वी स्क्वायर की वैल्यू में डालूंगा 6mg²/k। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 6m²g²/k, यानी कि हो जाएगा 3/2m²g²/k। आ गया मेरा आंसर, तो मेरा यहां पर थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो ये मेरे पास थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट सेकंड का। ओके बच्चों, फिर इसका हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन में, क्वेश्चन में तीसरे में बोला है बॉल हिट द फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर एन इलास्टिक कोलिजन इन केस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। देखो यहाँ पे बॉल जो है वो फ्लोर से रिबाउंड करती है इन इलास्टिक कोलिजन के बाद। इन इलास्टिक कोलिजन के बाद ये इस तरह से रिबाउंड करेगी, तो जितनी स्पीड v है उसका v' कितना हो जाएगा? e टाइम्स, जितनी हाइट से ड्रॉप हुआ था उससे हाइट e स्क्वायर टाइम्स होगी। चलो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल रिमेन्स कॉन्स्टेंट द सेम इन द कोलिजन। सो पहला ऑप्शन,
The momentum of ball just after the collision is same as just before the collision. गलत, क्योंकि यहाँ पे momentum जो है वो same नहीं है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद. ये ना तो magnitude में same होगा ना ये vector wise same होगा, क्योंकि direction तो change हुई ना, momentum की value भी change हुई है, क्योंकि v dash जो है वो e times हो जाएगा. The mechanical energy of ball remains same in the collision. देखो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमें पता है कि जो काइनेटिक में जो लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो जो लॉस होगा वो थोड़ा सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस केस में लेकिन वो जो पोटेंशियल है वो डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल होती है. तो डिफॉर्मेशन की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमेशा ध्यान रखना दोनों ऑब्जेक्ट जो कोलाइड करते हैं उनमें स्टोर होती है. तो यहाँ पे इसने केवल बॉल बोला है ना, इस वजह से ये भी गलत. टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड, तीसरा ऑप्शन सही है. तीसरा सही है इसीलिए दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ खाली बॉल की एनर्जी कंजर्व कर रही है, बॉल प्लस अर्थ की सिस्टम की कंजर्व होगी क्योंकि डिफॉर्मेशन दोनों में आता है. और टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड, ये भी बात सही है. टोटल मोमेंटम ओवरऑल बॉल प्लस अर्थ सिस्टम का तो कंजर्व रहेगा. तो मेरे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन हो जाएंगे बेटा, थर्ड और फोर्थ. अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखो एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है रेडियस 0.5 मीटर का, जिसको एक ट्रक पे रखा हुआ है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रक एंड सिलेंडर इज 0.3. ट्रक इज मूविंग सच दैट डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम. अब देखो इस ट्रक का डिस्प्लेसमेंट जो है ना इस तरह से दिया हुआ है. तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी हो जाएगा 3t² / 6 + 1/5. एक्सेलरेशन हो जाएगा 6t/6. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा टी. ठीक है, अब जितना इस ट्रक का एक्सेलरेशन है उतना ही ट्रक पे सिलेंडर पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स. तो सिलेंडर पे स्यूडो फोर्स लग जाएगा एम इंटू ए. अब सिलेंडर पे अगर स्यूडो फोर्स लग गया बेटा तो इस केस में ये स्यूडो फोर्स इसको एक तो चलाने की कोशिश करेगा, तो उसको चलाने की अगर ये कोशिश कर रहा है तो उसको बचाने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन. अब एक बार देखते हैं फ्रिक्शन कितना है. देखो स्यूडो फोर्स जो है एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहां स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एम इंटू टी. अब इस केस में जैसे ही ये फ्रिक्शन जो है, जैसे ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा टाइम के साथ, एक्सेलरेशन बढ़ेगा स्यूडो फोर्स बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, एफ आर मैक्सिमम म्यू एम जी. म्यू कितना दिया है 0.5, नहीं म्यू है 0.3, 0.5 तो इसकी रेडियस है, तो 0.3 mg. m कितना है यहां पर, m को m ही मान लेते हैं और g की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा 3m. मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3m है. अब जब तक स्यूडो फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से कम है तब तक तो ऑब्जेक्ट नहीं फिसलेगा, जैसे स्यूडो फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन से तो ऑब्जेक्ट फिसल जाएगा. तो फिसलने की कंडीशन कब आएगी, स्लाइड व्हेन एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम. स्टैटिक फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा हो तो ये स्लाइड कर जाएगा. चलाने वाला फोर्स कौन है, एम ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3m, यानी कि एम टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3m, मतलब कि t greater than 3, मतलब कि 3 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पहली बार फिसलेगा. अब एक बार टोपल होने की कंडीशन देखते हैं. देखो जैसे यहां पर हम बात करेंगे, ये सिलेंडर जब इस पे देखो टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखना. तो फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो बचाने के लिए कौन शिफ्ट होगा बेटा, नॉर्मल. नॉर्मल शिफ्ट होगा बचाने के लिए, तो नॉर्मल जो है वो इधर लग जाएगा एन इक्वल्स टू एम जी. अब ये नॉर्मल बचाने का काम करेगा, फ्रिक्शन पलटाने का काम करेगा. ऑब्जेक्ट टोपल नहीं करे उसकी कंडीशन क्या है, टोपल. टोपल करने की कंडीशन बोलते हैं टोपल व्हेन टॉर्क ऑफ, देखो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो ज्यादा हो जाए किससे, नॉर्मल के टॉर्क से, है ना. फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो है किसके बराबर, फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स इनटू एच बाय टू और नॉर्मल एम जी इनटू आर. ठीक है,
ये एफ एक्सटर्नल कितना है, एम इंटू टी एच की वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू डालते हैं अपन, तो एच की वैल्यू कितना दी आपको 4 मीटर, तो 4 मीटर का आधा 2 मीटर, 4/2 कर दो यहाँ पे, एम टेन, आर की वैल्यू कितना है, आर आपको दिया है 0.5, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5, मतलब 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड वो कंडीशन है जिसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो टोपल कर जाएगा, तो 2.5 सेकेंड के बाद टोपल करेगा, हमें पता है 2.5 सेकेंड पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन को आने में तो 3 सेकेंड लगेंगे, 3 सेकेंड बाद फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब 3 सेकेंड बाद जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से भी कम है, 3 सेकेंड बाद तो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तक जा चुका है, लेकिन जब टाइम बढ़ेगा तो टी इक्वल टू 0 से 2.5 तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 2.5 सेकेंड बाद क्या हुआ, जो फ्रिक्शन का टॉर्क था 2.5 सेकेंड तक स्टैटिक फ्रिक्शन अभी एक्सटर्नल को ही बैलेंस कर रहा है, तो वो जो टॉर्क है ना वो उसको पलटाने का काम कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ 2.5 सेकेंड पे पहली बार पलट जाएगा और 3 सेकेंड पे वो चलता, लेकिन चलने से पहले ही पलट चुका है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, सिलेंडर विल रिमेन एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रक आफ्टर सम टाइम इट विल स्लाइड, रिलेटिव टू द रेस्ट टू द ट्रक ये तो सही है, लेकिन सम टाइम कुछ टाइम के बाद वो स्लाइड करेगा, ये गलत है, कुछ टाइम के बाद वो स्लाइड नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद वो टॉपल करेगा, तो यहाँ पे ये गलत है, सिलेंडर विल रिमेन रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रक एंड आफ्टर सम टाइम इट विल टॉपल, ये बात सही है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। अब द सिलेंडर विल स्टार्ट स्लाइडिंग एंड इट विल टॉपल आफ्टर सम टाइम, गलत, स्लाइडिंग जो है वो पहले स्टार्ट नहीं होगी, पहले टॉपलिंग होगी उसके बाद स्लाइडिंग होगी, ठीक है, और द सिलेंडर विल नाइदर स्लाइड नॉर टॉपल रिलेटिव ट्रक, गलत भाई, ये बोल रहा है कि ना तो स्लाइड करेगा ना टॉपल करेगा, गलत है, हमें पता है कि वो 2.5 सेकेंड पे टॉपल करेगा और 3 सेकेंड पे वो स्लाइड करेगा, है ना, तो ये मेरे पास। अब इन्होंने पूछा क्या, देखो इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन नोट करें। अगला आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आपको एक बॉल को जो है वो ड्रॉप किया गया है, और बॉल को ड्रॉप करने के बाद ये आपसे बोल रहे हैं कि 37 डिग्री इंक्लाइनेशन एंगल है फ्रॉम हाइट 20/9 से इसको ड्रॉप करा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि टक्कर के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहां पर बच्चों बेसिक जो रूल होता है 2D कोलिजन का उसको समझ लेते हैं। देखो 2D कोलिजन में जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से टकराता है, ये मान लो इधर v स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट टकराया है ना, और ये एंगल थीटा है, तो उसकी जो स्पीड के 2 कंपोनेंट होते हैं, वो 2 कंपोनेंट कौन से हो जाते हैं यहां पे बच्चों, ये देखो ये इसकी v, तो ये एंगल इसका थीटा है, फिर मान लिया बाद में ये थीटा डैश डायरेक्शन में कहीं शिफ्ट होता होगा, थीटा डैश, ठीक है, तो अब इस केस में बाद की स्पीड v डैश मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जो x डायरेक्शन में तो क्या रहेगा बेटा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एम वी डे साइन थीटा डेश, और e इक्वेशन में क्या हो जाएगा, सेपरेशन डिवाइड बाय अप्रोच, सेपरेशन कौन करवा रहा है, वी डेश कॉस थीटा डेश सेपरेशन करवा रहा है, और पास कौन लेके आ रहा है, पास लेके आ रहा है इसको v cos थीटा, तो v डेश cos थीटा डेश हो जाएगा मेरे पास ev cos थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास देखो tan थीटा डैश क्या आ जाएगा, 1/e tan थीटा, ठीक है, ये तो आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू, इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो मेरे पास ये m से m तो कट जाएगा ना, v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास v डैश sin स्क्वायर प्लस v डैश cos स्क्वायर, तो v sin स्क्वायर प्लस ev cos स्क्वायर, तो v बाहर निकाल लूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये विदेश की वैल्यू, ये तो बेसिक थ्योरी है 2D कोलिजन की। ओके, कौन कौन सी इक्वेशंस काम में ले रहा हूं, मोमेंटम इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन। अब बात करता हूं इसमें, देखो इसमें आपको एक तो ये कंडीशन दी हुई है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो 37 डिग्री दिया हुआ है, ये यहां पे फिक्स्ड है, एक ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे हो
तो इसका देखो नॉर्मल किधर बनेगा, नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरीके से, जितना ये थीटा है उतना ही इधर से भी थीटा बन जाएगा। तो थीटा डैश, अब देखो यहां से जो बॉल वी डैश इस पीडीए मान लिया और थीटा डैश इधर मैंने मान लिया, सबसे पहले तो थीटा डैश की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो देखो थीटा डैश कितना आएगा, टेन थीटा डैश इक्वल्स टू वन बाई ई टेन थीटा, वन बाई ई, ई कितना है बच्चों इस केस में, यहां पर ई की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 9/16, तो 9/16 यानी कि 16/9, 10/37 कितना होता है, 10/37 होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, किसकी वैल्यू आई बेटा है 10 थीटा डैश की, तो थीटा डैश हो जाएगा मेरे पास 10 inverse 4/3 यानी कि 53 degree। अब थीटा डैश 53 आने का मतलब देखो क्या है, ये था 37, ये है 53, टोटल एंगल मिला कितना हो गया 90, मतलब कि बॉल जो यहां से रिबाउंड होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिबाउंड होगी। तो यहां से जब बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिबाउंड होगी, इस तरह से ऐसे रिबाउंड हुई, तो इसके बाद तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना, तो इस केस में जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी उसके बाद तो मुझे प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है। देखो मैंने इसको वाई डायरेक्शन बोल दिया है ना, ये अपने पास एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, स्पीड जो है वो इधर हो जाएगी, वी कितना, v की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, तो v डैश कितना आएगा, v साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 37 3/5 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हो जाएगा 81/256 और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा नहीं cos 37 होता है 4/5 का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा V 9/25 81/256 16/25, ये 16 से 16 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, ये V 25 का 5 बाहर लिया, 9 × 16 + 81/16, तो ये हो जाएगा 144 + 81 यानी 225, तो ये हो जाएगा V by 5, 225/16, V कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये V जो था टकराने वाला, ये हो जाएगा √2gh, अब h कितना दिया था आपको, ये दिया था 20/9, तो 2 × 10 और 20/9, तो V कितना आ जाएगा, यहां से V आएगा आपके पास 20/3, तो यहां पे भी अब आप रखो 20/3/5 और ये कितना है √2/5 यानी कि 15/4, चलो काटे, ये पूरा कटा, ये 5 बार कटा, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जिससे रिबाउंड होगा वो कितनी आएगी मेरे पास 5 की स्पीड से ऑब्जेक्ट रिबाउंड करेगा। चलो क्या क्या पूछा एक बार देखते हैं, The velocity of ball just after the impact is 5. First option तो सही है कि impact के बाद की speed जो है 5 होगी। अभी बोल रहे हैं the maximum distance between the incline and the ball between the first and second impact. देखो पहले और दूसरे impact के बीच में ball और incline के बीच की maximum distance, उसको हम बोलते हैं height. अब हमसे maximum height पूछिए, तो h max क्या हो जाएगा बेटा? अब ये आपको जो projectile का concept है incline plane पे वो लगाना है, तो projectile का concept क्या कहता है? देखो ये V डैश तो आ जाएगा 5, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल बीटा, B 37 दिया हुआ है, अल्फा भी 37 होगा क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगी ना, तो ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, ठीक है। तो इस केस में जो H मैक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 ay, 5 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा वी वाई, ये आएगा 3 square 2 10 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 9/16, तो 9/16 जो है आएगी हाइट, तो देखते हैं 9/16, बिल्कुल ये भी सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इंपैक्ट, टाइम इंटरवल जो पूछा है इसका मतलब क्या पूछा है बेटा, इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 UY/AY, तो 2 UY/AY टाइम
तो टी कितना हो जाएगा, टू यू वाई, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, पांच का उधर कंपोनेंट आएगा साइन 37 कंपोनेंट, तो 5 साइन 37 यानी कि 3, ए वाई यानी कि जी कॉस बीटा है ना, तो जी कॉस बीटा यानी कि 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4। तो यहां जो टाइम आएगा वो आएगा 3/4 सेकंड, ये भी बात सही है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इंपैक्ट इज 2 सेकंड, तो ये गलत हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपको एक तो ऑब्लिक कोलिजन का कंसेप्ट लगाना है, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो आपको यूज करना था। ओके बच्चों, तो एक बार इसका सॉल्यूशन नोट कर लें। ये तो बेसिक थ्योरी, ये कोलिजन के लिए मैंने सॉल्व किया, थीटा डैश और वी डैश निकाला था, है ना, थीटा डैश वी डैश निकाला, इसके बाद फिर मैंने वी डैश आ गया, उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट लगा दिए। ओके, तो ये पार्ट जो है वो अलग है। ओके बच्चों, नोट करें यहां तक। बच्चों हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में आपको एक हैवी होमोजेनियस सिलेंडर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक सरफेस है, उस सरफेस पे इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर को रखा हुआ है, ठीक है, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया एफ, और इसमें फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और यहां पर देखो ये बोल रहे हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर है वो बिल्कुल प्योर रोलिंग कर रहा है ग्राउंड पे। प्योर रोलिंग जब ये कर रहा है तो देखो इसपे मान लिया फ्रिक्शन पीछे लगा होगा स्मॉल एफ, तो अब इसमें देखो कंडीशंस क्या होगी, मैं मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन रहा होगा ए, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा वो रहा होगा अल्फा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले तो एफ इक्वेशंस, एफ नेट इक्वेशन हम बनाए, तो एफ इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन क्या कहती है, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, मैं नेट फोर्स होता ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू स्मॉल आर, स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर, आई एल्फा हाफ एम आर स्क्वायर एल्फा, ठीक है। फिर प्योर रोलिंग कंडीशन अगर हम लगाएं तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी बेटा, प्योर रोलिंग कंडीशन होता है ए इक्वल्स टू एल्फा, एसीएम इक्वल्स टू एल्फा, एसीएम क्या है यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड से एसीएम की वैल्यू डालो और एल्फा की वैल्यू डालो, तो एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम स्मॉल एफ इंटू आर कैपिटल एफ इंटू आर अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो एल्फा की वैल्यू और आर। अब देखो काटे, एम से एम खत्म, आर से ये आर खत्म, टू पर गया, तो एफ आर माइनस स्मॉल एफ आर, ये आ जाएगा टू स्मॉल एफ कैपिटल आर, टू कैपिटल एफ स्मॉल आर। तो इससे आपको यहाँ पे देखो बच्चों कैपिटल स्मॉल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, ये स्मॉल एफ, तो थ्री एफ आर प्लस टू आर, तो स्मॉल एफ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास एफ आर प्लस टू आर डिवाइड बाई थ्री आर, तो एफ ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री आर। अब ऐसा करते छोटा आर, ऊपर छोटा आर है ना, अब ऐसा करते हैं टू बाई थ्री को बाहर निकालते, तो ये हो जाएगा टू एफ बाई थ्री, तो यहां बचेगा R प्लस कैपिटल R प्लस, और ये 1 बाई थ्री बाहर निकाला तो 2 नहीं था तो 2 आ गया, ये स्मॉल f, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही, इतना फ्रिक्शन लगेगा ऑब्जेक्ट पे रोलिंग के दौरान। तो देखो बच्चों यहाँ पे केवल तीन इक्वेशंस आपको बनानी थी, उसके बाद ये जो पूरी है ये पूरा मैथ्स है, फिजिक्स तो केवल तीन इक्वेशंस थी, इसके बाद तो पूरी मैथ्स है ना, इसको सोल्व करने पर आपका फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो कितनी आएगी, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा आर बाय आर प्लस हाफ, तो इन्होंने तो कुछ अजीब सा ही गलत दिया हुआ है ना, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो एफ आर माइनस दिस, इसको आप इधर लेके जाओगे और आप, अच्छा ये माइनस में आएगा ना, सॉरी ये इधर जाके माइनस में आएगा, तो यह माइनस आएगा,
यहां माइनस और ये एफ, तो ये यहां माइनस आएगा है ना, ये फिर यहां भी माइनस ही आएगा इसमें, तो यहां माइनस आएगा तो फिर ये भी कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास हाफ माइनस आर बाई आर, तो इस केस में माइनस आ जाएगा, तो ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ माइनस स्मॉल एफ बाई एम, एफ कितना है, एफ तो एफ है, स्मॉल एफ कितना है, टू एफ बाई थ्री वन बाई टू माइनस आर बाई कैपिटल आर अपॉन एम। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा देखो, f माइनस एफ बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री आर बाई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा टू एफ बाई थ्री, तो टू एफ बाई थ्री, टू बाई थ्री एफ आर बाई कैपिटल आर, तो ये जाएगा टू एफ बाई थ्री वन प्लस आर अपॉन कैपिटल आर डिवाइड बाई मास, डिवाइड बाई मास तो आना ही है सब में, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन, देखते हैं ऑप्शन में, तो ये आ जाएगा 2f अपॉन 3mr, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि इफ r by 2 लेस देन हाफ हो, a विल बी ग्रेटर देन f by m, तो यहां पर देखो बच्चों, अगर r by 2 जो है, सॉरी r by कैपिटल r जो है हाफ से कम हो, है ना, अगर r by कैपिटल r अगर हाफ हो जाए तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास हाफ यानी कि थ्री बाई टू, तो ये आ जाएगा एफ बाई एम, फिर तो एग्जैक्ट एफ बाई एम आएगा, है ना। और अगर आर बाई टू हाफ से कम हो, देखो ये हाफ हो तब जाके एफ बाई एम आएगा, अगर आर बाई कैपिटल आर हाफ से कम हो तो फिर ये आंसर एक्सेलरेशन का एफ बाई एम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो ये कम होगा ना, तो इस केस में मेरा ऑप्शन जो आ जाएगा, पहला सही आएगा, दूसरा सही आएगा, तीसरा गलत आएगा, और चौथा भी गलत है, फिर दो, है ना, चौथा भी फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो गलत है, क्योंकि ये इन डायरेक्शन बोल रहा है, जबकि अपने अपोजिट डायरेक्शन मानी चाहिए, वैल्यू तो सही है लेकिन वो क्या बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, जबकि अपने अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये अपना दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ गलत है, तो अपना यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन नोट करें बेटा आप लोग। अगला आता है हमारे पास, A car is moving along the circle with constant speed on inclined plane as shown in diagram. देखो यहाँ पे जो inclined plane है ना, एकदम horizontal भी नहीं है और एकदम vertical भी नहीं है, मतलब जो circular motion है, circular का जो plane है वो ना तो horizontal है ना vertical है, ऐसे तिरछा है, तो तिरछे plane पे कार जो है वो इस तरह से circular motion complete कर रही है, तो देखो यहाँ पे जो है वो g sin theta, ये angle अगर मैं theta मानू तो g sin theta जो है वो इसको हर point पे नीचे की तरफ लगेगा। अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। देखो एक बार मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं कि कार जो है वो इस पोजीशन पे है, तो देखो इसको एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, है ना। अब इसमें देखो यहां पर एक तो जो mg है वो ऐसे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया तो बिल्कुल काम चल सकता है, क्यों, क्योंकि mg मतलब ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, mg का साइन थीटा कंपोनेंट, ये ऐसे है ना, ये कौन सा फोर्स है बेटा, mg का साइन थीटा, तो mg साइन थीटा तो ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे अगर लग जाए हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों के कंपोनेंट जो नेट है वो सेंटर की तरफ आ जाए, मतलब सी डी पार्ट में एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहां पे फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाए। या फिर अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, बीसी पार्ट को देखते हैं, तो बीसी पार्ट में देखो यहां अगर मान लो मैं ऐसे देखता हूं, तो देखो फ्रिक्शन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल आया तो ये जो mg साइन थीटा है जो ऐसे लग रहा है, हो सकता है ये और फ्रिक्शन दोनों मिलकर के ओवरऑल नेट फोर्स सेंटर की तरफ प्रोवाइड कर दे, तो ऐसा ही एक पॉसिबिलिटी जो है वो बीसी पार्ट में भी है और एक सीडी पार्ट में भी है। इसके अलावा अगर आप डीए पार्ट लेते हो, देखो डीए पार्ट में एमजी साइन थीटा ऐसे आ रहा है, अगर आप फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाओगे तो भी नेट फोर्स ऐसा आया, क्या है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है, नहीं, मतलब यहां सेंटर की तरफ नेट फोर्स लाने के लिए फिर फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इसी तरह से यहां पर देखो एमजी साइन थीटा ऐसे आएगा और आप फ्रिक्शन को अगर ऐसे लगाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि
नेट फोर्स जो है सेंट्रिपेटल ऊपर आ जाए, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ भी फ्रिक्शन जो है वो ऐसे नहीं आएगा, फिर वो थोड़ा सा और इधर जाएगा, ताकि फ्रिक्शन और mg sin थीटा का जो नेट फोर्स आए वो सेंटर की तरफ आना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उसी पॉसिबिलिटी से अपना सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेवंथ में सही है। नोट करें बच्चों एक बार इसको, तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ गलत है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक दिए हुए ए और बी, जिनके मास आपको दिए हुए हैं mm, मतलब तीनों के मास यहां सेम है। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट इस पे कोलाइड करता है, देखो कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक सी जो है वो मास एम मूव करता है स्पीड वी से, और कोलाइड करता है इलास्टिकली। इलास्टिकली कोलाइड करने का मतलब अपनी सारी मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, ए को। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, देखो अब इस कंडीशन को अपन यहां ड्रॉ करते हैं। कौन आया टकराने, ए और बी रेस्ट में थे, टकराने के लिए आया सी। तो ए और बी जैसे ही यहां पे इससे ये सी टकराएगा, तो सी जो है वो तो रेस्ट में आ जाएगा और वी स्पीड इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन आएगी, कंप्रेशन की कंडीशन आएगी, उसमें इसकी भी स्पीड वी डैश, इसकी भी वी डैश, तो इसका मतलब मोमेंटम इक्वेशन से एम प्लस एम वी डैश इस एम वी, तो वी डैश कितना हो जाएगा, वी बाई टू। फिर जो यहाँ एनर्जी लॉस होगा डेल्टा के में, जो लॉस होगा वो किस में जाएगा, डेल्टा पी स्प्रिंग की एनर्जी में जाएगा। एनर्जी लॉस कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर टकराने के बाद, और उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन में कितना है, हाफ टू एम वी बाई टू स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई फोर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एम बाई टू के वी। अब देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज जीरो, गलत। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में जीरो नहीं है, एम वी स्क्वायर बाई फोर है, तो जीरो बोल रहे इसलिए गलत हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम इज मैक्सिमम कंप्रेशन इज हाफ एम वी वन बाई फोर एम वी स्क्वायर, सही बात है। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड गलत है। तो मेरा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ दोनों सही है। ओके बच्चों, फिर आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो आर रेडियस के किसी पार्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वी इसकी स्पीड मान लेते हैं, है ना, और इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो ओमेगा दिया हुआ है। तो एंगुलर वेलोसिटी ध्यान रखना किसके अबाउट ओमेगा है, सेंटर के अबाउट, तो ओमेगा अबाउट ओ जिसको हम बोलते हैं वी बाई आर, इसको इन्होंने ओमेगा बोला हुआ है, समझ में आ गया। अब यहां पर आपको सही ऑप्शन स्टार्ट ने रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एट ए अबाउट ओ एंड अबाउट बी। अब अबाउट बी देखते हैं, तो अबाउट बी कितना आ जाएगा, v बाई बी से डिस्टेंस कितना है, r परपेंडिकुलर फ्रॉम b, तो v r प्लस r बाई टू, तो ये जाएगा टू बाई थ्री वी बाई आर, तो ये ओमेगा b के अबाउट। तो ओमेगा b के अबाउट और o के अबाउट, फिर इसका आप रेशियो लोगे तो ओमेगा o बाई ओमेगा b, ये आएगा मेरे पास वन और टू बाई थ्री ओमेगा, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू। तो थ्री बाई टू मतलब कि पहला ऑप्शन सही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एट ए अबाउट ऑल पॉइंट्स ओ बी सी सेम, गलत है ना, और बी के अबाउट ही सेम नहीं आ रही, तो फिर सी के अबाउट तो फिर चेक करना पड़ेगा, लेकिन और बी के अबाउट तो अलग आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एट ए अबाउट सी, सी के अबाउट और निकाल लेते हैं, तो सी के अबाउट कितना हो जाएगा, v अपॉन r फ्रॉम c। अब c से जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो v r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा इस केस में r प्लस r, यानी कि v बाई टू आर, ये कितना हो जाएगा ओमेगा बाई टू,
फिर इसके बाद द वेलोसिटी एट ए एंड सी आर सेम, वेलोसिटी ए और सी पे सेम नहीं होगा, स्पीड सेम होगी। देखो जब ये पार्टिकल घूम के इधर आएगा तो इसकी स्पीड ऐसे हो जाएगी ना, तो स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी अलग है, तो वेलोसिटी वर्ड की वजह से अपना फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा यहाँ पर? फर्स्ट और थर्ड। ओके बच्चों, तो इस केस में अपना यहां पर फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा नाइन्थ क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हम टेंथ क्वेश्चन में, तो टेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, ए रिजिड यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां पे ए बी और बी डी जो है वो टू डायमीटर, इसके दो डायमीटर है ए सी और बी डी, एट द इंस्टेंट शोन इन डायग्राम ए सी इज हॉरिजॉन्टल बी डी इज वर्टिकल। तो इस केस में इस गिवन डायग्राम गिवन इंस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, सेक्टर बीओसी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सेक्टर सीओडी। देखो बीओसी ये वाला सेक्टर जो है और सीओडी ये वाला सेक्टर जो है, हम अगर देखें बच्चों तो जैसे यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स अपन लेते हैं, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करें तो इस पे देखो वी और ओमेगा आर कुछ ऐसा आएगा। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच का 90 डिग्री से कम हो तो रिजल्टेंट थोड़ा ज्यादा आता है, और यहां देखो v और ओमेगा r ऐसा आएगा ना इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए v इधर आएगा और ओमेगा r इधर आएगा, है ना। तो v और ओमेगा r और इसके लिए v और ओमेगा r। अब देखो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से कम हो, 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब 90 हो तो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर अपन ऐसे बढ़ाते जाएं तो उनका रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है और 180 पे मिनिमम हो जाता है। तो यहां पे देखो इस पार्टिकल सेंटर से अगर मैं कोई पार्टिकल लेता हूं तो इसकी स्पीड जो v1 आएगी और जो इसकी स्पीड v2 आएगी, हमें पता है v1 स्पीड ज्यादा आएगी v2 के मुकाबले, ज्यादा आएगी ना। इसका मतलब जो ऊपर वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी और नीचे वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, तो सेक्टर बीओसी इज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सेक्टर सीओडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही बात है। सेक्टर एबीसी हैज काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर, एबीसी मतलब पूरा ऊपर वाला हिस्सा, ये तो मैंने समझाया कि पूरे ऊपर वाले हिस्से में देखो आप चाहे तो टॉप मोस्ट बी पॉइंट की बात कर लो, यहां स्पीड कितना होता है 2v और बॉटम मोस्ट पॉइंट डी पे स्पीड 0, इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट में हर पॉइंट की स्पीड रिलेटिवली ज्यादा होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस वजह से सेक्टर एबीसी में भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। सेक्टर बीओसी हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज एओबी, देखो बीओसी और एओबी यहां भी कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ये पॉइंट लो तो ये वेलोसिटी वी, इसके लिए ओमेगा आर इधर आ जाएगा, तो ये स्पीड जो है ना वो v1 जितनी आएगी। तो इसका मतलब इन दोनों पार्ट की, ये क्वार्टर लेफ्ट और क्वार्टर राइट अपर साइड में, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। और फोर्थ, सेक्टर बीओसी हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज सेक्टर एओडी, बीओसी कौन सा, ये बीओसी और एओडी है सेम काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर देखें, देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपने बिठा दिया इसको, तो जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी वो तो ऑब्जर्वर नोट ही नहीं करेगा। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो केवल रोटेशनल मोशन दिखेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ओनली रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व होगा, और रोटेशनल मोशन जब ऑब्जर्व होगा तो रोटेशनल मोशन में तो फिर चारों पार्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी ना, क्योंकि ओमेगा सेम है सबके लिए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो चारों क्वार्टर की काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। यहाँ पे दो क्वार्टर बीओसी और एओडी दिया है, ठीक है, इनकी भी आपस में इक्वल है, मतलब बीओसी दो एओडी दो या कोई भी दो क्वार्टर दे दो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चारों क्वार्टर की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल आएगी, क्योंकि क्वार्टर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है, फिर आपको हाफ एमवी स्क्वायर उसको नहीं देखना है। ओके बच्चों, तो ये 10th क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट होता है, इसी के साथ अपना जो पार्ट बी है उसका डिस्कशन भी कंप्लीट होता है। नोट करें बच्चों एक बार यहां तक। बच्चों हम आते हैं हमारे पार्ट डी के डिस्कशन पे। पार्ट डी में आपको सिंगल इंटीजर क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन है ब्लॉक जो है वो, इसको एक घूमती हुई डिस्क के ऊपर अपन ने रख दिया, तो ये टेबल जो है वो स्टार्ट रेस्ट से करती है और रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमती है। तो ये बोलते हैं कितने टाइम बाद ब्लॉक फिसल जाएगा, उस टाइम को फिर x by 30 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो देखते अपन यहां पर, तो देखो
ये एक तरह की टेबल है और इसमें यहाँ पर सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे घुमाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स, एक तो इसको सेंट्रीपिटल चाहिए और एक उसको टेंजेंशियल चाहिए। अब मैं इस डायग्राम को टॉप व्यू बना रहा हूँ, देखो टॉप व्यू मतलब जो ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो देखो इस तरह की डिस्क है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसको एक तो चाहिए सेंट्रीपिटल और एक चाहिए टेंजेंशियल, क्योंकि इसको घूमना भी तो है। अब इसको ये दोनों फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन, दोनों फोर्स वही प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन स्लाइड करने की कंडीशन क्या होगी? अगर फ्रिक्शन जो है वो एफ एस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन यानी कि एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी पी स्क्वायर म्यू एम जी, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब एसी, एसी कैसे निकालेंगे बच्चों? एसी होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, और एटी होता है अल्फा इंटू आर का स्क्वायर म्यू और जी। आर बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर बचेगा ओमेगा की पावर फोर और अल्फा स्क्वायर। चलो अब यहां पे आर ओमेगा और अल्फा की वैल्यू डालते हैं। ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? ओमेगा को मैं लिखूंगा अल्फा इंटू टी की पावर फ्लो प्लस अल्फा स्क्वायर म्यू जी बाई फोर। चलो एक बार यहाँ पे अपन देखते हैं डेटा क्या है हमारे पास। अल्फा थ्री दिया हुआ है, एम ट्वेंटी दिया हुआ है, आर वन दिया हुआ है। आर जो है वो डिस्क की रेडियस है और ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है? मास इज कैप्ट डिस्टेंस रेडियस कैपिटल आर फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपको कैपिटल आर जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो ये स्मॉल आर जो था इसकी जगह तो 1 लिखना अपन को। अब यहाँ पे आप पूरे का और म्यू यहाँ पे कितना दिया फ्रिक्शन कोफिशियंट? फ्रिक्शन कोफिशियंट आपको दिया हुआ है इस केस में 0.5, जी की वैल्यू 10 लेना है। तो ठीक है चलो आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा 4 टी 4 अल्फा स्क्वायर 0.5/10 यानी कि 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा अल्फा यानी कि 3 की पावर 4 टी की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 5, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको म्यू एम जी, तो म्यू जी यहां दिया हुआ था, एम से अपन ने पहले ही काट दिया, एम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आर से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, एटी होता है अल्फा आर, तो उसको अपन ने स्क्वायर करेंगे। अच्छा यहाँ स्क्वायर भी है ना, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का 9 होता है 81, टी की पावर 4 प्लस 9 25, तो टी कितना हो जाएगा? 25 16/81 1/4, 16 का आ जाएगा 2/3, तो टाइम की वैल्यू आएगी 2/3। इसको अपन लिख सकते हैं 20/30। कंपेयर करने पे एक्स कितना आ गया अपने पास? 20। तो देखो ये सिंपल सा अपन को सिस्टम देखना है कि जो फ्रिक्शन है वो दोनों तरह का काम कर रहा है, फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन टेंजेंशियल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही फ्रिक्शन म्यू एम जी से ज्यादा होगा उस केस के बाद ये फिसल जाएगा। सॉल्व करने पे टाइम आ रहा है 20/30, तो अपना जो एक्स है एक्स कितना हो जाएगा? 20। कोई कंफ्यूजन बेटा? फिर अगला आता है अपने पास, ये बोल रहे एक पार्टिकल एम मास का रोटेट कर रहा है इन प्लेन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल है। इफ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज दिस, अब यहाँ एल की पावर ए है ना, तो देखो पार्टिकल जब यहाँ पे घूम रहा होता है तो इस पे वी स्पीड में मान लेता हूं, ये आर इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इन्होंने आर तो रखा है लेकिन वी नहीं रखा, वी को रिप्लेस करना है, तो v को मैं लिख सकता हूं l अपॉन एम आर, एल अपॉन एम आर का स्क्वायर अपॉन आर, एम स्क्वायर एल स्क्वायर, सॉरी एम एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर और r, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। तो एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, तो ए कितना हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ पे आपसे देखो एक ही वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है 15 इंटू ए, तो 15 इंटू टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू ए ये हो जाएगा 15 इंटू टू, तो ये हो जाएगा 30, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ओके। फिर अगले पे आते हैं, अगले में आपको इस तरह से यहाँ पे B से रिलीज होने के बाद आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह का एक पाथ आपको दिया हुआ है ना, ये एंगल कितना दिया बच्चों 53, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया 37। तो हमें पता है यहां से जब ऑब्जेक्ट रिलीज होगा U अगर जीरो है तो देखो यहां से यहां तक जब ये आएगा तो इसकी स्पीड कुछ V होगी, ठीक है। और हमें पता है कि जब ये एंगल जो यहां से बनेगा फाइनल ये भी फिर 37 ही बनेगा। अब V कैसे निकालेंगे, तो V के लिए देखो यहाँ पे हाइट में चेंज कितना है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का चेंज डेल्टा H, ये हमें पता करना है, ये क्या है H1 और H2 कौन सी वाली हाइट है, ये बाद वाली हाइट H2, तो डेल्टा H हो जाएगा H2 माइनस H1 L cos 37 माइनस L cos 53 L 4 by 5 माइनस 3 by 5 यानी कि L by 5, ये तो हो जाएगा डेल्टा एच। L बोल दो या R by 5 बोल दो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने R बोला हुआ है ना तो अपन भी R बोल देते हैं, रेडियस है ना, ये क्या है बेटा ये रेडियस है। तो अब यहाँ पे रेडियस ये डेल्टा एच निकाल लिया तो V कितना आ जाएगा अपने पास, एनर्जी कंजर्वेशन से जो भी एम जी डेल्टा एच होगा वो सारा का सारा हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो वी आ जाएगा 2g डेल्टा एच, 2g आर बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से ये 10 और 20 और 4r, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 या 2g आर बाय 5, चलो इसको 2g आर 5 ही रहने देते हैं, ये मेरे पास आ गया। अब इन्होंने पूछा आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ही यहां से छूटेगा ना इसका तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसा वाला, भाई पहले तो ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम के आया था उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो इसके लिए देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जब ये करेगा इस पे जी लग रहा है, अब मुझे केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है एक्सेलरेशन का, तो ये एंगल भी 37, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, V कितना है मेरे पास 2g r by 5 upon g cos 37 और उसका स्क्वायर तो कर गया तभी तो ये आया, तो ये कितना हो जाएगा 2g r by 5 g into 4 by 5। चलो तो क्या आया अपने पास यहां पर, g से g खत्म, 5 से 5 खत्म, r by 2, अब r by 2 आया ना, देखते हैं क्या था अपने पास, r by n था, तो यहां ये कंपेयर करें तो n कितना आ गया 2 के इक्वल, ओके बच्चों। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन भी बन गया, तो पहले तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में फिसलते हुए आएगा उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ही वो कॉन्टेक्ट खत्म करेगा उसके बाद बताना है, ओके। कॉन्टेक्ट जब तक है ना तब तक तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी है, कैपिटल आर, क्योंकि तब तक तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ जैसे लीव किया जैसे वो हवा में आया उस टाइम पे आपको उसकी कर्वेचर रेडियस बतानी, ओके बेटा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ में, कर्व्ड रोड जो है रेडियस 200 मीटर इज बैंक्ड विद एन एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू, तो देखो यहाँ पे जो थीटा वेलोसिटी होती है वो होता है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, आर जी टेन और थीटा कितना है 10 इनवर्स 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 आर जी, ये वी की वैल्यू। फिर बाद में बोल रहे हैं कि ट्रैफिक, नाउ ट्रैफिक इज एट डबल ऑफ स्पीड फॉर विच द रोड इज डिजाइंड, अब इस रोड को जो इसकी बैंकिंग की वजह से स्पीड आ रही ना उससे डबल स्पीड से ट्रैफिक निकालना है, तो बैंकिंग एंगल जितनी स्पीड देता है उससे भी ज्यादा स्पीड अगर आपको चाहिए तो फिर वहां फ्रिक्शन होना चाहिए, इसका मतलब जो इसकी वी मैक्स है फ्रिक्शन वाले कर्व रोड की जो वी मैक्स है वो 2v होना चाहिए, तो रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही होगी ना इक्वेशन,
ये हो जाएगा मेरे पास 2 ऑफ 0.2 आरजी। चलो रूट से रूट हटाएंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा आरजी टेन थीटा की वैल्यू 0.2 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू इंटू 0.2, 2 का स्क्वायर 4, 0.2 आरजी। क्या क्या कटा, आरजी से आरजी खत्म हो गया, ये हो जाएगा 0.8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 प्लस म्यू, 0.8 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 4 और 0.8 हाँ ठीक है, माइनस में म्यू 0.8 और 0.2 तो 0.16 हो गया। अब इसको आप इधर लाओगे तो हो जाएगा 1.16 म्यू इक्वल्स टू 0.6, म्यू हो जाएगा 0.6 बाई 6। अब क्या करूं इसको काटूं, तो पहले तो पॉइंट उड़ाता हूं, तो 60 116, 30 चौक 120 होता है तो 29। देखो 29 लाना, चार बार उड़ाता हूं तो चार बार उड़ाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा 15 बाई 29। तो मेरे पास यहाँ म्यू आ रहा है 15 बाई 29, इसका मतलब यहां पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 15 बाई 29। तो इन्होंने एन की वैल्यू पूछी थी, ये रहा एन, एन कितना हो जाएगा 15। ओके बच्चों, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ में, बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्विंग इन वर्टिकल planes so that its acceleration in extreme and lowest position are equal in magnitude. If angle theta of thread deflection in extreme position is this, then find a tan. देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक thread को आपने theta angle से लटकाया हुआ है extreme position में और फिर यहाँ से release किया, तो जब ये release किया तो ये object जब नीचे आएगा है ना, जब object यहाँ से नीचे आएगा बच्चों, तो जब ये नीचे आएगा इस तरह से, तो release करते वक्त इसमें कौन सा acceleration होगा भाई, रिलीज करता हूं तो उसकी स्पीड तो जीरो है ना, और बाद में उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो यहां पे इसमें केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये देखो इस पॉइंट पे तो होगा केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज जी साइन थीटा, और यहां पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका मतलब शुरुआत का ए टी और बाद का ए सी जो है वो सेम है, ये इन्होंने बोला है, तो ए टी इनिशियल इक्वल्स टू ए सी फाइनल। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ए टी इनिशियल क्या है बेटा, जी साइन थीटा, ए सी फाइनल कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g डेल्टा एच बाई आर, 2g डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आर वन माइनस कॉस थीटा बाई आर से आर खत्म, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा इज 2 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं लिखूंगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 minus cos 2 cos theta होता है 2 sin square theta by 2। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 खत्म, sin theta by 2 से पावर खत्म, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा tan theta by 2 is 2, तो theta is what, tan theta by 2 इसको इधर लाओगे तो 1 by 2 sorry, तो theta कितना हो जाएगा, tan inverse हाफ, 2 tan inverse half। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ रहा है, n की वैल्यू आ जाएगी 2, हमें पूछा है 8 n, तो 8 into 2 यानी कि 16, तो यहाँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 16 आ गया मेरा आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें, नेक्स्ट पे आते हैं, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg स्ट्रैक इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूस टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद 1/4 स्पीड। तो वन मास की स्पीड जो है वो वन मास का ऑब्जेक्ट यू से आता हुआ मान लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फिर ये उसी डायरेक्शन में यू बाई फोर से जा रहा है, और ये एम का पता नहीं तो इसको मैं वी मान लेता हूं। सबसे पहले तो पी इक्वेशन क्या कहती है, 1 into u m into 0 1 into u by 4
एम इंटू वी, तो ये हो जाएगा 3u/4 इज एम वी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर स्मॉल ई इक्वेशन अगर लगाओगे, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, v सेपरेशन बाय v अप्रोच, तो e इक्वल्स टू v सेपरेशन बाय u अप्रोच, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू v माइनस u बाय 4 इज u, तो v इक्वल्स टू 5u/4 आ गया। तो v की वैल्यू 5u/4 यहां रखोगे तो 3u/4 m, v की जगह क्या रखोगे 5u/4, तो ये हो जाएगा u, तो m कितना हो जाएगा 3/5, m हो जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 kg। अब मास है 0.6 kg, तो हमें 10m पूछा है, तो 10m कितना हो जाएगा बच्चों 10 × 0.6 यानी कि 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर सेवंथ आता है, ये बोल रहे हैं कि एक होमोजेनियस बॉडी कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉनिकल पोर्शन अटैच्ड टू ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस आर √3, द हाइट एच ऑफ कोन इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपोजिट बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ओ। मतलब बोल रहे हैं कि सेंटर ओ पे ही ओवरऑल सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो देखो ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ना, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि जो कोन है और जो ये है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तो m1 मास मानूंगा और ये y1 मानूंगा, इसको मैं y2 मानूंगा और इसको मैं m2 मानूंगा, तो इसका मतलब m1 y1 equals to m2 y2। बच्चों अभी यहाँ पर m1 y1 और m2 y2 की वैल्यू डाले, m1 जो है वो क्या हो जाएगा रो 1/3 πr² h, h by 4, इसकी सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ये क्या है हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 ρ π r³ और 3r/8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास, ये हो जाएगा मेरे पास देखो रो से रो खत्म, ρ/3 ρ/3 तो खत्म हो गया, पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास एच स्क्वायर बाय 4, इधर आ जाएगा 2 और 6, ये आ जाएगा मेरे पास 6/8 आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6/8 और इधर कितना आ गया 4 और ये 2 8, तो 4 तो 6/8 है ना, तो 6 × 24, तो ये आ जाएगा 24/8 आर स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा √3r। अब इन्होंने देखो हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, इन्होंने हमें r की वैल्यू कितनी दी हुई है √3 मीटर, तो ये हो जाएगा √3 और ये भी √3 h, तो ये बोल रहे हैं कि h की वैल्यू अगर n हो तो h का n की वैल्यू बतानी है, मतलब h ही बताना, तो h कितना हो जाएगा 3, इसी को इन्होंने n बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 3। 8 में बोला है सिंपल पेंडुलम द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डबल द वेट ऑफ बॉब, बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्ट्रिंग इज इन हॉरिजॉन्टल, तो जब रस्सी हॉरिजॉन्टल है आपने बॉब को रिलीज किया यहां से, फिर ये बोल रहे हैं कि जब स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, तो देखो यहां वर्टिकल से जब रस्सी का एंगल इतना हो जाएगा है ना, तो जब थीटा जो रस्सी का एंगल है वो बताना है आपको, और यहाँ पे फिर ये रस्सी टूट जाती है, तो देखो इस केस में ये जो डेल्टा एच है यहां पे जो स्पीड आएगी, और ये अपने पास देखो ये एम जी फोर्स लग रहा है ना, तो यहां पे एम जी फोर्स ऐसे लग रहा है, ये अगर थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा भी आ जाएगा, फिर टेंशन इधर आ जाएगा। अब देखो यहां पर टेंशन जो है वो एक तो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करने के बाद जो बचेगा मतलब t माइनस mg cos थीटा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो t माइनस mg cos थीटा m v स्क्वायर कितना हो जाएगा √2g∆h / r का मतलब क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो t को मैं लिख दूंगा अप टू mg,
भाई ब्रेक होते वक्त की कंडीशन में टी कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा ना, तो 2mg माइनस mg cos थीटा, ये हो जाएगा 2mg और ये क्या जाएगा रूट टू जी आर। यहां देखो जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा डेल्टा एच कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास R का cos थीटा कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा R cos थीटा, R का मतलब है L, तो L cos थीटा अपॉन L। अब देखो यहां पर इसको काटे तो L से L खत्म है ना, ये G यहीं से, G जो है बेटा 2G लिखा ना मैंने, तो यहां पे केवल M लिखना आगे, तो बस तो ये आ जाएगा M 2G, डेल्टा एच की वैल्यू डाल दी और उसके बाद ये आ गया। तो देखो अब ये mg से mg सब खत्म होगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस cos थीटा, इधर बचेगा 2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 3 cos थीटा इज 2, तो cos थीटा इज 2/3। तो यहां पर एक ही जगह क्या आ रहा है, देखो एक ही जगह क्या आ रहा है, ये 2, तो ये a का मतलब यहां पे क्या होगा 2 हो जाएगा, तो मेरा 9th का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 8th का आंसर हो जाएगा 2। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर इसका आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक देखो रस्सी को इस तरह से बांध के अपन घुमा रहे हैं और न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम स्पीड से घुमा रहे हैं। मिनिमम स्पीड क्या होती है, यहां पर अगर रूट 5GL हो, यहां पर अगर रूट 5GL हो तो यहां पे कितनी होती है रूट जीएल। अब इसी पॉइंट पर रस्सी टूटती है तो फिर तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब ये करेगा तो ये वी नॉट हो जाएगा है ना, हाइट कितनी हो जाएगी 2R, इसको जी आर बोल दो। तो देखो यहां पे रेंज पूछा है, एसी का मतलब क्या है रेंज, रेंज क्या होता है वी नॉट इंटू कैपिटल टी, वी नॉट कितना है रूट ऑफ जी आर, कैपिटल टी कितना होता है रूट टू एच बाई जी, तो जी से जी खत्म हो जाएगा, एच कितना है टू आर बाई जी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों जी से जी खत्म, ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर यानी कि टू आर। अब यहां इन्होंने पूछा है, अब इन्होंने आर की वैल्यू दी है एल, मैंने आर का मतलब यहां क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा 2L, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी NL बोला है रेंज, तो N हो जाएगा यहां पर 2। ओके बच्चों, फिर 10th में आपको पूछा है, देखो यहां पे बोल रहे कि √2gr का जो है यहां पे इनिशियल स्पीड है टॉप पॉइंट पे, तो जब ये स्लाइड होके नीचे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी बचेगी, इसकी स्पीड एनर्जी इक्वेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी टू आर प्लस हाफ एम टू जी आर, ये इनिशियल स्पीड, तो टू टू जी आर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 6 gr, ये मेरे पास वी स्क्वायर या वी की वैल्यू आ जाएगी 6 gr आ गया। अब जब ये फाइनली यहां आके रुकेगा तो इसकी फाइनल स्पीड वी डैश जीरो होनी चाहिए ना, तो वी डैश स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस ऑफ टू माइनस इंटू एस, तो ये तो आ जाएगा जीरो, वी स्क्वायर माइनस टू म्यू जी इंटू डी, तो डी कितना आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, वी स्क्वायर कितना है 6 gr अपॉन टू म्यू जी, तो ये हो जाएगा 3r बाई म्यू, म्यू कितना आपको दिया हुआ है 0.5, तो 3r बाई 0.5 यानी कि 6r, तो आपको डी की वैल्यू बताना है 6r, r की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। तो ये मेरा 10th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर है 6। तो बच्चों यहाँ पे अपना ये डीसीएम का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको अटेंड किया होगा, और जो भी आपकी दिक्कत पेपर अगर कोई आई है आपको तो आपने यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन में उसको जरूर समझा होगा। ओके बच्चों, इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को करते रहे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।